वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, रिपीट कर देनी है। तो आज आपकी आखिरी रिक्वेस्ट भी पूरी होने जा रही है शेरशाह मूवी के चौथे गाने की। गाना है रांझा, बहुत ही प्यारा गाना है, तो आज इसे भी सीख लिया जाए, सीखो सरल के सबसे सरल अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो इस खूबसूरत से गाने को हम सीखेंगे लोअर ऑक्टेव के ए शार्प से, यहां से इस गाने को हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको एक लाइन प्ले करके दिखाऊंगा, फिर उस लाइन को स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ बताता चलूंगा। देखिए गाने की पहली लाइन है, रूठी है शब्ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा। चलिए अब लाइन को धीरे धीरे सीख लिया जाए। सबसे पहले सीखेंगे हम रूठी है शब्ते रब्बा, इतना देखेंगे पहले, पहले इतना देखेंगे। सबसे पहले रूठी, रू उ ठी, रूठी, इस तरह से प्ले करना है, ए शार्प और दोबारा सी शार्प, रूठी ऐसे। इसके बाद है, अब शब ते रब्बा, ठीक है। तो एक बार सिंगल फिंगर से देखिए, रूठी है शब ते रब्बा, ठीक। इसके बाद लाइन है, रब्बा दिल भी है रूठा, इसको देखिए, इसमें क्या किया, रब्बा दिल भी है रूठा, ठीक, रब्बा दिल भी है रूठा, ठीक। अब इसके बाद है, सब कुछ है बिखरा बिखरा, इसको देखिए, ये भी सेम ऐसे ही है, जैसे रूठी है शब्द रब्बा वैसे ही है सेम, ठीक है। नोट्स बस एक आध ज्यादा मिलेगा आपको, बाकी है सेम। देखिए, सब कुछ है बिखरा, बिखरा में तीन बार शीशा, फिर से बिखरा, फिर से तीन बार शीशा, ठीक है। तो सब कुछ है बिखरा बिखरा, ठीक। इसके बाद लाइन है, बिखरा सा रूठा रूठा, इसे देखिए, तो ये भी सेम वैसे ही है, सेम वही चीज है, बिखरा सा रूठा रूठा, ठीक। तो कहने का मतलब है, आप एक लाइन सीख लीजिए, रूठी है शब्ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, और जो दूसरी लाइन है, सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा, सेम बिल्कुल वैसे ही प्ले करनी है आपको, ठीक है। आप रिपीट कर देंगे तो वैसे ही प्ले हो जाएगी, बस एक आध नोट ज्यादा है। आपको दिक्कत होगी तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन से शब्द के नीचे कौन से नोट्स लगे हुए हैं। चलिए अब अगली लाइन, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, इसको देखिए, देखिए इस लाइन को भी आप धीरे धीरे देखिए, चुप माही चुप है रांझा, रांझा में चाहे आप डी शार्प भी लगाइए, लास्ट में डी शार्प भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप रांझा, मगर एंड जो हुआ है वो डी शार्प पे हुआ है, रांझा आ, ठीक। तो ऐसे ऐसे प्ले करना रांझा, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार सिंगल फिंगर से देखिए, चुप माही चुप है रांझा, ठीक। इसके बाद बोले कैसे वे ना जा, ऐसे, तो बोले बोले ऐसे होगा, ऐसे बोले, ठीक है। अब कैसे वे ना जा, ठीक, बोले कैसे वे ना जा, ठीक, जा यहां एफ पर आ जाएगा, ठीक। अब अगली लाइन है, बोले कैसे वे ना जा, आजा आजा, इसको देखिए, ठीक। देखिए बोले कैसे वे ना जा, अब आ जा, फिर से आ जा, दो बार आ जाए, ठीक है। तो सिंगल फिंगर से कंटिन्यू देखिए, बोले कैसे वे ना जा, आ जा आ जा,
ठीक। अब इसके बाद है बोले कैसे वे ना जा, फिर से है बोले कैसे वे ना जा, ये देखिए, देखिए सेम वही है जो इससे पहले हमने सीखी थी, चुप माही चुप है राजा, सेम वही चीज है। देखिए बोले कैसे वे ना जा और आ की मात्रा, बोले कैसे वे ना जा, ठीक। कौन सी लाइन है ये, वही है चुप माही चुप है राजा, सेम वही चीज है, ठीक है। और इसके बाद फिर से वही लाइन है बोले कैसे वे ना जा, ये हमने पहले ही सीखी थी, ठीक है। तो इसको रिपीट कर देनी है बोले कैसे वे ना जा, ठीक है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। इसके बाद फिर है चुप माही चुप है राजा आजा आजा, इसको देखिए, ठीक। तो ये लाइन भी हमने सीखी हुई है अगर आपको ध्यान हो तो, इससे पहले हमने सीखी थी बोले कैसे वे ना जा आजा आजा, जो हमने सीखी थी सेम वही चीज है ये, चुप माही चुप है राजा आजा आजा, चुप माही चुप है राजा फिर आजा आजा, ठीक। एक आध नोट ज्यादा है बस, बाकी कुछ नहीं है, सेम ही है। चलिए अब बढ़ते हैं अंत की तरफ। अंत की जो पहली लाइन है वो है वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, जो स्टार्ट हो गई हमारी हायर ऑक्टव के सी शार्प से, ठीक है। अब हम सीधा आ गए हायर ऑक्टव पर, यहां से शुरू करेंगे सी शार्प से, ठीक। देखिए पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, देखिए, ठीक इस तरह से प्ले होगी। अब देखिए आराम आराम से देखते हैं, सबसे पहले वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, इतना देखिए, वे मेरा ढोला नी आया ढोला, ठीक। तो कहां से शुरू करा था, सी शार्प से, और वहीं खत्म भी हो गया, ठीक। एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू, ठीक। और इसके बाद फिर से वही लाइन है वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, बस लास्ट में थोड़ा अंतर है, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए, बजा के दिखा रहा हूं, पहले मैं सेम ही है, क्या कि हमने ए शार्प इस्तेमाल नहीं किया, सीधा जी शार्प से सी शार्प, ठीक। ढोला ढोला, लास्ट में बस यही अंतर है, पहले हमने क्या किया था ढोला आ, मगर अब ढोला, बस इतना अंतर है, ठीक, बाकी सेम है। और बस इस लाइन को रिपीट कर देना है, ठीक है, ये पूरी लाइन रिपीट करनी है, एक बार फिर से होगी ये लाइन, वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, रिपीट कर देनी है, ठीक। तो अब बारी आती है भी प्रागपाजी की, और अब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले, देखिए, तो सबसे पहले देखिए और अब भी खेल है खेले, इसको देखिए, देखिए स्टार्ट होगी ए शार्प से मिडिल ऑक्टिव के, ओ रब वी खेल है खेले, खेले पे ध्यान दीजिएगा, वैसे मैंने शॉर्टकट कर दिया है मगर फिर भी देखिए खेले, ठीक, खेले ए ए, और अब वी खेल है खेले, सिंगल फिंगर से देखिए, ठीक। अब इसके बाद लाइन है रोज लगावे मेले, ये भी सेम ऐसे ही है, आराम से देखिए, रोज लगावे मेले ए ए, रोज लगावे मेले, ठीक, बहुत ही सिंपल थी। अब इसके बाद लाइन है कैंदा कुछ ना बदला, सेम वही चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद लाइन है झूठ बोले हर वेले, ये थोड़ी सी अलग है, झूठ बोले हर वेले, ये अलग थी बस, ठीक है, लास्ट में अलग थी वेले।
अब जो इसके बाद लाइन है वो है चुप माही चुप है राझा, बोले कैसे वे ना जा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये लाइन हम सीख चुके हैं, मगर बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर नोट्स का नहीं है, अंतर है ऑक्टिव का। इससे पहले जो हमने सीखी थी वो सीखी थी हमने लोअर ऑक्टिव के हिसाब से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ सीखी थी, ये लाइन। अब हम इसी लाइन को प्ले करेंगे यहाँ से, ठीक, मिडिल ऑक्टिव के हिसाब से यहाँ से लेंगे। अब सेम वही चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है, नोट सेम है, बस ऑक्टिव चेंज कर दिया हमने, ठीक, और कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए, ठीक, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम है। तो आगे की सारी लाइनें आपको सेम नोट्स पर यहाँ पर प्ले करनी है, ठीक है। जैसे कि आगे आएगी, अब बोले कैसे वे ना जा, तो ये क्या, ठीक, वही चीज़ प्ले करनी है, कुछ भी अंतर नहीं है। सेम नोट्स हमें लगाने हैं कहाँ पर, अब हमें यहाँ पर लगाने हैं, तो कुछ भी अंतर नहीं है। बस अंतर यही हो गया कि हमने ऑक्टिव चेंज कर देना है, और अंतर भी इसलिए आ गया क्योंकि पाजी ने गाया है, तो जाहिर सी बात है उंगलियाँ हमारी यहाँ तो चलेंगी नहीं, यहीं पर चलानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन वो है नी में रज रज हिजर मनावा, तो वापस आ जाएंगे हम फिर से मिडिल ऑक्टिव पर, सी शार्प, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, नी में रज रज हिजर मनावा, देखिए, ठीक, नी में रज रज हिजर मनावा, ठीक, एक बार सिंगल फिंगर से भी देखिए, ठीक। अब इसके बाद लाइन है नी में खुद तो रुस मुड़ जावा, तो ये लाइन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, सेम टू सेम है, मगर लास्ट में थोड़ा सा अंतर है। देखिए मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ होगी बस, ठीक है। देखिए नी मैं खुद तो रुस मुड़ जावा, यहाँ पर अंतर हो गया, देखिए जा वा हाँ, जी शार्प पर ही हमने एंड कर दिया, पहले हम कहाँ पर सी शार्प एंड किया था, अब हमने ये चीज़, ठीक, जावा, और इन दोनों लाइनों को आपको रिपीट करना है, ठीक। अब इसके बाद लाइन आती है कल्ली भीड़िच बैठी, ए शार्प से शुरू करेंगे, इस लाइन की धुन आपको सुनी सुनी सी लग रही होगी, क्योंकि ये जो धुन है ये हम पहले ही सीख चुके हैं। कौन सी लाइन है ये वही लाइन है, और रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले, ठीक है, सेम वही है। बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि बी प्रकपा जी ने गाई थी, तो जाहिर सी बात है वो हमने हायर ऑक्टेव में प्ले करी थी, अब हम जो प्ले करेंगे वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए कल्ली भीड़च बैठी, ठीक है, कल्ली भीड़च बैठी, ठीक। इसके बाद तेरी पीड़ ले बैठी, ये भी सेम वही है, सेम वही है, ठीक। इसके बाद लाइन है रुस्सा रांझा वे मेरा, सेम वही चीज, सेम वही चीज। इसके बाद मैं भी कम न ऐठी, ठीक, और बस इसके बाद वही लाइन रिपीट करनी है सारी, चुप माही चुप है रांझा, ठीक है, हर ऑक्टोबर पर रिपीट करनी है, चुप माही चुप है रांझा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों शेर शाह का ये वाला गाना भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने लाइक भी कर ही दिया होगा। और जिन लोगों ने सीखो सरल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं तो वो लोग फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है, घंटी वाला जो निशान है, उसको भी दबाना ना भूलें, जिससे आपके जो फरमाइशी गाने होंगे वो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो मुलाकात होगी आपसे आपकी अगली रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।